स्कूल संचालक से रंगदारी मांगने के मामले में 3 की हुई गिरफ्तारी। रविवार को सदर एसडीपीओ अमित कुमार ने प्रेस वार्ता आयोजित कर स्कूल संचालक से रंगदारी मांगने वाले मामले में 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि रंगदारी मामले में बहादुरपुर थाना कांड संख्या 587/22 को 19/11/2022 धारा 386 387 भादवी की गई थी, जिसके बाद पुलिस की ओर से कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को घटना को अंजाम देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम महेश कुमार, भोला साह, दीपक कुमार, सज्जन ठाकुर और गोपाल यादव, योगी यादव। तीनों तारालाही थाना बहादुरपुर दरभंगा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम तारालाही स्थित ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल के संचालक मधु चौधरी से 5/11 को मोबाइल नंबर 8207644229 से 100,000 रुपए की मांग की गई थी। फिर उसी ने एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा स्कूल में जाकर स्कूल के एक कर्मी को पत्र दिया गया, जिसमें 100,000 रुपए की रंगदारी की मांग किया गया था, जिसके बाद 18/11/2022 को दोबारा मोबाइल नंबर 9534689968 से संचालक के मोबाइल नंबर 9060230055 पर कॉल कर 100,000 रुपए जल्दी देने या फिर अंजाम भुगतने एवं गोली मार देने की धमकी दिया गया था, जिसकी शिकायत स्कूल संचालक के द्वारा बहादुरपुर थाना में किया गया। विद्यालय में लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच कर पत्र देने वाले की पहचान कराने पर उक्त व्यक्ति गोपाल यादव, योगी यादव, तारालाही पाया गया। 19 तारीख को शाम में बहादुरपुर थाना में एक FIR दर्ज कराया गया, जिसमें ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल बहादुरपुर थाना अंतर्गत है, वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं, डायरेक्टर हैं, उनसे रंगदारी की मांग की गई थी। भाई आपका दिख रहा है कि सीसीटीवी फुटेज में कि कोई जाता है स्कूल में, एक पत्र देता है, पत्र के द्वारा और मोबाइल नंबर के द्वारा, एक मोबाइल से संपर्क करके उनसे पहले पूर्व में 5 नवंबर को और फिर 18 तारीख को 19 तारीख को उनसे मांग की गई। उसके बाद सीसीटीवी फुटेज देखा गया और बाकी तरीके लगाते हुए अपनाते हुए हमारी पुलिस की टीम, बहादुरपुर थाना की जो टीम है, उसने SSP साहब के निर्देशन में जो तीनों अज्ञात के विरुद्ध ये FIR किया गया था, बट सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल नंबर के आधार पर 3 अभियुक्त हैं, तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। टोटल कितने आदमी थे सर? टोटल 3 हैं, एक तो जो है जो स्कूल के अंदर जाता है और फ़ोन करता है, बाकी और तो हैं जो सिम प्रोवाइड करते हैं और मोटिवेट करते हैं ऐसा करने के लिए। कहाँ के लोग थे, उनका नाम क्या है सर, इनका क्या पूर्व में कोई जो आपराधिक इतिहास? इनमें से एक जो है गोपाल यादव, उसका आपराधिक इतिहास भी रहा है, वो दिल्ली में कार्यरत था, वहाँ अपने बहनोई के मोबाइल से किसी प्राइवेट कंपनी के मालिक को भी रंगदारी के लिए उसने धमकाया था, जिसके आरोप में उसका बहनोई भी दिल्ली जेल में। तो CDR रिपोर्ट जो लिया तो वो मोबाइल भी पुलिस ने अपने कब्जे में लिया? मोबाइल सिम है कब्जे में और जांच की जा रही है। सर क्विक एक्शन आप लोगों ने लिया जैसे ही आवेदन आया, उसके बाद क्या प्रोसेस आप लोगों ने किया सबसे पहले? मतलब एक्शन बिल्कुल क्विक रहा इसके लिए, जो थाना इंचार्ज ने बधाई के पात्र है, एक्शन ऐसा क्विक रहा कि 19 तारीख की शाम में FIR होता है और 20 की शाम तक तीनों अपराधी जो थे। तो सर फोन लोकेशन के आधार पर ये लोग गिरफ्तार हुए या फिर? देखिए इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, इस पर ज़्यादा डिस्कस करना। सर जिस तरीके से क्विक एक्शन आपने लिया है, इसका प्रभाव जी होने वाले क्राइम पे पड़ेगा क्या? क्राइम रुकेगा कुछ, इसका असर पड़ने वाला है? पुलिस का मनोबल इससे बढ़ता है, आप लोगों के सहयोग से इसका प्रचार प्रसार होगा, डेफिनेटली इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जाएगा और जो क्रिमिनल्स हैं उनके लिए एक डिस्करेजिंग फैक्टर होगा। बढ़िया है, 24 घंटे के अंदर पकड़ा गया, ये अच्छी मूड है सबका।